अगर ये स्किन है तो ये वाला सीरम जाएगा, अगर ये स्किन है तो ये वाला सीरम जाएगा, इस पे ये यूज करो, इस पे ये यूज करो, अगर स्किन के अंदर ये प्रॉब्लम है तो इसका कॉम्बिनेशन यूज करो, इस एक्टिव के साथ इस एक्टिव को यूज करो। अगर आपकी स्किन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको इतनी सारी चीजें अगर नहीं यूज करनी है, और आपका स्किन टाइप ऐसा है कि जल्दी से कुछ चीज टॉलरेट नहीं हो पाती, जैसे कि बहुत सारी स्किन ऐसी है सारे एसेट को सारे एक्टिव को नहीं ले पाती। आज मैं अपने स्किन केयर रूटीन में मैंने अभी एक प्रोडक्ट यूज किया जो कि मैं लास्ट एक वीक से यूज कर रही हूँ, उसके रिजल्ट है नहीं है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। साथ में मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिनका स्किन टाइप कोई भी हो, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं अपने स्किन के बहुत सारी चीजों को टारगेट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, अपनी स्किन की प्रॉब्लम को सोल्यूशन के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अभी इन दिनों मैंने सडनली घर लिया था, तो घर का रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो इतनी ज्यादा डस्ट थी और घर में ज्यादा कोई है नहीं, तो हम ही लोग थे सारा काम करने के लिए, हेल्प के लिए, या जो भी है डस्ट यहीं रहना था, यही रिनोवेशन चल रहा है, यही डस्ट चल रहा, तो उस बीच मेरी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। मेरे फेस के ऊपर अभी काफी मोटे मोटे लड्डू आए हैं, एक दो तीन इधर इधर, चलो तो ये कहते हैं ना बहुत ज्यादा फिल्टर यूज करते हो या कौन सा वाला फिल्टर यूज करते हो, प्रॉब्लम नहीं दिखती। तो कोई भी आप फिल्टर यूज, आपकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है तो ऑलरेडी आपकी स्किन अच्छी है तो और ज्यादा अच्छी निकल के आ सकती है, लेकिन आपकी 100% प्रॉब्लम को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से कवर कर लेगा ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है ना, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे इन दिनों बहुत मोटे मोटे लड्डू निकल कर आए हैं, एक्ने निकल कर आए हैं, उनको ट्रीट करने हैं, तो मुझे साथ में था, साथ में मेरा कॉम्प्लेक्शन अभी थोड़ा बेटर हुआ है लास्ट 15 डेज से अपना स्किन केयर रूटीन दोबारा फॉलो करने की वजह से। ये एक्ने भी मुझे किस रीज़न से आए हैं वो रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक्ने का कोई एज नहीं होता, ये कभी भी आ सकता है, अगर आपका स्किन आप पूरी तरीके से ट्रीट कर चुके हो, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो भी ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट आपने यूज़ करना बंद कर दिया है या आप क्रीमें कंटिन्यू यूज़ करो तो एक्ने नहीं आ सकते, एक्ने कभी भी आ सकते हैं, हमारा कुछ अनइवन खाने की वजह से आ सकते हैं, हमारे पेट की प्रॉब्लम की वजह से आ सकते हैं, हमारे हार्मोन इंबैलेंस की वजह से आ सकते हैं, पीरियड्स की वजह से आ सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं एक्ने आने का। तो किसी प्रोडक्ट से अगर आप उसको जोड़ के चलते हो कि मैंने नया प्रोडक्ट यूज़ करा है तो इसी वजह से एक्ने निकल कर आया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्ने आने के बहुत सारे रीजंस हो चुके हैं। तो इन दिनों मुझे एक्ने आए, एक्ने का मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन इसके बाद के जो मार्क्स रह जाते हैं उनका मुझे टेंशन रहता है, लेकिन टचवुड मुझे मार्क्स नहीं रहते उसके बाद, क्योंकि मेरा स्किन केयर रूटीन अच्छा है, मेरा जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उस मार्क्स को नहीं आने देते हैं, वो एक्ने को टाइम पर सही जगह पर ट्रीट करके वहीं पर ख़त्म कर देते हैं पूरी तरीके से। आज मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, ये मिनिमल इसका प्रोडक्ट है और मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में इसको ऐड करना चाहते हैं तो मैं इस प्रोडक्ट की आपको पूरी जानकारी दूंगी, साथ में बताऊंगी किस प्रोडक्ट के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, आप किसी सीरम के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ट्रेटिनिन के साथ यूज़ करना है, ग्लाइको के साथ यूज़ करना है, किस टाइम पर यूज़ करना है, किनको यूज़ करना है, किनको यूज़ नहीं करना। मैंने इन दिनों अपना एक नया स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया है, नए कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं अपना एक प्रॉपर, मैं मॉर्निंग नाइट में स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपका स्किन टाइप मेरे जैसा है, आपको लगता है मेरे को डलनेस हो रहा है, स्किन पूरी तरीके से डैमेज पड़ी है, तो बिल्कुल फॉलो करो, वीडियो वॉच करो, पूरा वॉच करो, विदाउट स्किन केयर वॉच करो, है ना। आज का जो वीडियो है वो मिनिमल स्किन मल्टीपेप्टाइड 10% फेस सीरम के ऊपर है, जिसके अंदर 10% मैट्रिक्सल 3000 है, जो कि पेप्टाइड कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन के इलास्टिसिटी को, कॉलेजन को बूस्ट करता है। ये जो सीरम है ये आपकी स्किन की एक प्रॉब्लम को नहीं, फर्स्ट तो ये है कि ये सीरम आपकी स्किन की मल्टीपल प्रॉब्लम्स पे काम करता है, ये मल्टीपल पेप्टाइड सीरम है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है। अगर आपके फेस के ऊपर साइन ऑफ एज बहुत जल्दी आप लोग को दिखने लगे, जैसे कि एज ऑफ साइन अगर आपको दिखते हैं 35 में दिखते हैं, 40 में दिखते हैं, 30 के बाद दिखते हैं, समझ रहा है, लेकिन कईयों को 25 में ही लग रहा है स्किन में डलनेस हो रहा है, आपका कॉलेजन रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, इलास्टिसिटी खत्म हो रही है स्किन की, ये आपके सेल्स टर्नओवर को बढ़ाता है, आपके डलनेस को ट्रीट करता है, आपके एज ऑफ साइन को कंट्रोल करता है, जो आपके एज ऑफ साइन आ चुके हैं ऑलरेडी स्किन में ये उनके साथ ट्रीट करता है, फाइन लाइन्स हुआ, रिंकल्स हुआ, स्किन के बैरियर डैमेज हो रहे हैं, आपके बैरियर को रिपेयर करता है स्किन के, आपके स्किन के अंदर डलनेस के साथ साथ अगर आपकी स्किन में बहुत रूखापन रहने लगा है, उसकी जान खत्म हो चुकी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी है, स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाता है, जहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है तो ये भी आपकी स्किन को हाइड्रेट, तो आप ये मान सकते हैं कि ये आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है,
आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है अगर आप कंटिन्यू किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं। एटलीस्ट आपको 3 मंथ वेट करना पड़ेगा उसके अच्छे और बुरे रिजल्ट जानने के लिए। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो 2 से 3 दिन में, 24 आवर्स में, 48 आवर्स में कुछ ना कुछ स्किन के अंदर रिएक्शन निकल के आने लगेंगे, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मुझे सूट नहीं हो रहा है, ये सीरम मुझे बहुत अच्छे से सूट हो रहा है, मुझे बहुत पसंद आया है। और मैं ये कहूँगी कि सीरियसली आप लोगों में से अगर किसी को के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है कि एकदम से आपकी स्किन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आई है मेरी तरह, या आपको टाइम नहीं मिला स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए, और अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही है, प्रॉपर स्किन केयर तो फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक सीरम आपकी स्किन को पूरा चेंज कर देगा, लेकिन उसके साथ आप अपने रूटीन के अंदर इस सीरम को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये सीरम आपको कब यूज़ करनी चाहिए। इस मल्टीपेप्टाइड सीरम को आप अपने नाइट केयर स्किन के अंदर के रूटीन में ऐड कर सकते हैं, आप मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप नाइट में ट्रेटिनिन वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे पहले भी आप इसको यूज़ करके, या कोई और आप सीरम यूज़ करते हैं तो आप उस सीरम से पहले इसका कॉट लगा सकते हैं। आपको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप इसकी यूज़ करनी है अपने फेस के ऊपर। अच्छे से अपने फेस को वॉश करो, वॉश करने के बाद अगर आप कोई टोनिंग वगैरह यूज़ करते हो तो टोनिंग कर सकते हो। उसके 2 से 3 बार जब भी आप कोई बैक टू बैक लेयर अपने फेस के ऊपर लगाते हैं, यानी कि सीरम की, मॉइस्चराइजर की, सनस्क्रीन की, तो एटलीस्ट आप 3 से 4 मिनट का गैप दो, फेस के ऊपर प्रोडक्ट लगाओ, वेट करो, देन आप सेकेंड लेयर अप्लाई करो। साथ के साथ आप अपने फेस के ऊपर कोई भी लेयर अप्लाई मत करो। ये जो है प्रोडक्ट, ये फ्रेगनेंस फ्री है, सिलिकॉन्स फ्री है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, डाइस फ्री है, एसेंशियल ऑयल फ्री है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, सेफ है पूरी तरीके से, नॉन कॉमेडोजेनिक है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए परचेस करते हैं तो पहले तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें फ्रेगनेंस तो नहीं है, कलर नहीं है, चलो कलर है तो भी ठीक है, पैराबेन फ्री है ना, सल्फेट फ्री है ना, किसी तरीके का कोई केमिकल है क्या है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तभी आप आइडिया लगा पाओगे कि प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो आप खुद ही उसके इंग्रेडिएंट पढ़ के क्या टेस्टेड है क्या टेस्टेड नहीं है, ये सारी चीज़ें देखकर आप लोग आइडिया लगा सकते हो। इस सीरम को अप्लाई करने के बाद अब जो भी क्रीम या कोई एक्टिव अगर अपने रूटीन में ऐड करें तो वो एक्टिव लगाएं, वो एक्टिव लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करो, फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। मॉर्निंग इवनिंग में दोनों टाइम इसको यूज़ कर सकते हो, डेली इसको यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेटिव डेज में इसको यूज़ कर सकते हो, वीक में 2 से 3 बार इसको यूज़ कर सकते हो। अगर किसी प्रोडक्ट के साथ आपको इसको यूज़ नहीं करना तो नाइट नाइट में ये यूज़ कर लो, या मॉर्निंग मॉर्निंग में ये यूज़ कर लो, नाइट में प्रोडक्ट ऐसा है। ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो टेक्सचर है इससे थोड़ा सा इवन होने लगा है, मेरी स्किन में जो स्किन के जो बैरियर डैमेज हो गए थे, जो ड्राइनेस हो रहा था स्किन बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छा होने लगा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है। इसके साथ साथ ऐसा है कि मैं पर्टिकुलर सिर्फ यही प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, एक मैंने स्किन केयर रूटीन और स्टार्ट करा है जिसमें ये है, मतलब और जो बाकी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उनके साथ ये प्रोडक्ट भी है। अगर आपको चेक करना है कि मैं किस तरीके का स्किन केयर रूटीन ले रही हूँ इन दिनों, तो डेफिनेटली इसके बाद का जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वह वॉच करें। ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत पसंद आया है, बाकी इसके रिजल्ट्स कितने परसेंट अच्छे हैं ये तो मैं आपको 2-3 महीने बाद ही बता पाऊँगी, क्योंकि 7 दिन में किसी भी चीज़ के लिए टिप्पणी करना सही नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट मिरेकल कर रहा है, स्किन को 100% चेंज कर रहा है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि सही नहीं है, कहीं से भी फेयर नहीं है ना। तो ये मल्टीपेप्टाइड सीरम आपको किसी भी साइट पे अवेलेबल हो जाएगा, प्रमोटेड नहीं है, जो मैं आपको पर्टिकुलर बता दूं कि उस साइट से जाकर ले लो, ये बिल्कुल मैंने अपने लिए परचेस किया, आप अपने लिए परचेस कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन साइट पे, अमेजोन पे, नाइका पे, या आपको स्मिटन पे कहीं पर भी मिल जाएगा। मैंने टाटा 1mg से ही इसको परचेस किया है, ईजिली जल्दी से मिल गया था, मॉर्निंग में ऑर्डर किया था, इवनिंग में ये आ गया था। इसके साथ आप जो भी अपना फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अपने जो प्रोडक्ट से बाकी उनमें कुछ चेंजेस लेकर आना है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए, स्किन केयर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले।